कारनामे सुने भी होंगे और देखे भी होंगे। ओ मैं आज आपको खिलाने वाली हूँ परी मैक्सिकन पराठा, जो खाके पापा की परियों उड़ने भी लगेगी और वायरल भी हो जाएगी। क्या बात है आंटी, सच में ऐसा होता है क्या? होता है। कितनी परियां वायरल हुई है खाके? बहुत ज्यादा हो गई है वायरल। क्या बात है। तो चलिए गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले हैं पापा की परियों के फेवरेट पराठे कैसे बनते हैं, क्योंकि कारनामे तो आप लोग आए दिन देखते ही रहते हैं। शुरू करें आंटी? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहले उसके लिए हम मकई को अच्छे से कट करेंगे, इसको अच्छे से निकाल देंगे। भाई ये एकदम हटके होने वाला है पराठा, क्योंकि ये पापा की परियों के फेवरेट पराठे हैं। तो बने रहना आप लोग हमारे साथ, क्योंकि ऐसा पराठा आज तक आप लोगों ने कहीं भी नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले स्वीट कॉर्न कट कर लिया गया है, कर लिया है और एक बाउल में आ गया है। तो आंटी ये बॉईल है स्वीट कॉर्न? हाँ बॉईल है। अच्छा बॉईल है। वो क्या परियों को नुकसान ना करे ना? नहीं नहीं, नुकसान नहीं करेगी, फायदे बने, जो खा के वायरल भी हो जाएगी और उड़ने भी लगेगी। ठीक है, तो उसके अंदर पहले तो हल्का आएगा शिमला, हल्के आ गए टमाटर, हल्का आएगा ऑनियन। ठीक है, अभी इसके अंदर आएगा चीज, चीज के बाद आएगा ढेर सारा पनीर, जिसे खा के हेल्दी हो जाएगी परिया। हेल्दी तो होना ही है ना, खाना में हो जाएंगे तो। अच्छा ठीक है। तो आंटी एक बात बताओ। हाँ जी। ये मैं तो खा नहीं सकता हूँ, तो कौन सी परी खाएगी इसको? खाएगी ना, मैं बुलाती हूँ ना। अच्छा आपकी परी है क्या? मेरी परी है ना, आप देखो। हाँ तो बाद में देखते, बाद में पहले बताइए। तो गाइस बने रहना, इनकी परी को दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके अंदर आएगा पराठे का मसाला, धनिया पाउडर और ये स्वाद अनुसार खाली नमक। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा इसके अंदर। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया, आप देख सकते हो। और प्योर गेहूं का आटा है, मैदा यूज नहीं करते। ठीक है ना। और बताओ आप कैसे हो? अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ आंटी, लेकिन मैं तो बस यही सोच रहा हूँ जो परी ये खाने वाली है वो परी को आप बुला दो। बस बस बुला, क्योंकि भाई हम तो खा नहीं सकते हैं, परी के पराठे परी ही खाएगी। अभी ये आ गया इसके अंदर है मसाला। अच्छा, आप देख सकते हो मसाला बहुत सारे वेजीज इसके अंदर है। और अब इसको अच्छे से ऐसा बंद करेंगे इसको अच्छे से। थोड़ा मेरा हिंदी और इंग्लिश बहुत पावरफुल है। क्या बात है। अभी हम इसको जैसे हम पराठा बनाते हैं ना गोल, ये वैसे नहीं बनेगा। अच्छा, थोड़ा लंबाई में चौड़ाई में बनेगा। ठीक है ना। ऐसा ही क्या? हाँ। मतलब पापा की परियों के गजब के कारनामे तो देखते ही हम लोग, उनके पराठे भी गजब होते हैं। गजब होते हैं ना। क्या तो बात है भाई। ये हो गया अपना पराठा भाई साहब। देखो हम तो बोल पराठा, मैक्सिकन पराठा, जो इसको खाने वाली है ना परी, मैं आपको उससे मिलाती हूँ अभी। अच्छा बुलाइए, मैं आपको मेरी परी से मिलवाती हूँ। ठीक है, आ जाओ बेटा परी। भाई परी आ गई। बेटा इधर आओ। तो ये है आपकी परी? ये परी है? ये परा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ। इसके परी को हम बुलाते हैं। अच्छा इनकी परी पराठा खाती है क्या? हाँ इसकी। तो ये पराठा आप खाओगे? नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी। मैं तो खा के परा हो गई हूँ। क्या बात। तभी मुझे मेरी बेटी परी है उसको भी परा करना है। क्या बात है। वो खाएगी? वो खाएगी। वो कब आएगी मैम? वो पराठा जैसे बनेगा वैसे ही उसको ही खिलाना है। क्या बात है। तो चलिए गाइस पराठा देखते हैं पूरा। तो ये देखो परियों का स्पेशल पराठा है, जो लंबा चौड़ा बनाया गया है, गोल तो है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था ये गोल नहीं बनेगा। और गाइस एंड में हम बताएंगे इनका लोकेशन, ताकि आप लोग भी आकर के ये पराठे को खा सके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये पराठा खाली परिया ही खाए, भाई परे भी खा सकते हैं, है ना आंटी? वो भी वायरल हो जाएंगे। मैक्सिकन टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, वो भी खा सकते हैं, मतलब मेन बेस मैक्सिकन। तो ये देखिए यहाँ पर ये पराठा खासकर पापा की परियों के लिए ही है। अच्छा, तो प्लीज पापा की परियों आके यहाँ पे ट्राई करना, बाकी हमारी परी भी ट्राई कर रही है तो आपको भी ट्राई करना ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो एंड में बताएंगे इनका हम लोकेशन। पराठा आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ऑयल के अंदर फ्राई हो रहा है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी पराठा आप देख सकते हो पूरा ब्राउन कलर हो चुका है। अभी हम इसके एक प्लेट में निकालेंगे। तो आंटी ये परियों के पराठे सजाए भी जाएंगे ना? अरे सजाएंगे ना। क्या बात है। ये परी है ना, ये सजाएगी। अच्छा क्या बात है। सो भाई देखिए
ये पराठे बिल्कुल जैसे ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जाते हैं परिया, उस तरीके से तैयार किया जाएगा। तैयार भी देखिए मैम कर रही है, कटिंग करके। अच्छा, साइड का बेस निकाल देंगे। भाई आप लोगों ने कभी ऐसे पराठे खाए थे जो इस डिजाइन में और ऐसे कटिंग किए जा रहे हो? अगर नहीं तो वीडियो फटाफट शेयर कीजिए उनको जो लोग चाहते हैं ऐसा कुछ नया ट्राई करना। आगे पीछे ऐसे परिया कैसे भागती है इधर उधर पीछे वैसे। ओ भाई साहब, मतलब गजब गजब हो रहा है। आप देख रहे हैं ये परियों के पराठे खा गए, एक इधर एक यहाँ पे, मतलब पराठे का नाम खाली परी पराठा भी है। साइड पे पंख तो भी लगाना है, क्या बात है, तभी खा कर लेंगे। अच्छा, जो इधर उधर रखे हैं वो वैसे उधर इधर उसके साथ ही तो जाएंगे। क्या बात है, ये रख दिया, दो पंख आ गए। अभी चीज, आजकल के पापा की परियों को चीज बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा है। और इसे खाने के लिए आपने परी को बुला लिया ना? हाँ, क्योंकि हम तो खाएंगे नहीं भाई। तो ये पराठा रेडी हो चुका है। चलिए गाइस, तो अब बुलाते हैं परी को और खिलाते हैं ये पराठा। अपने एक सेकंड, तो मैम फिर परी को बुलाइए, परी ये पराठा खाए, ताकि हम पूछते हैं परी से कि परी को कैसा लगा है। सही है, अभी परी खा के वायरल भी होती है। हाँ, पराठा परी दिखाना भी तो जरूरी है। अच्छा अच्छा, चलिए परी को पराठा जी, तो ये परा खिला रही है अपनी परी को पराठा। तो हमारी परी, हेलो हाय, हाय करो शोना। हाँ, हाँ, क्या बात है, तो आप पराठा खाते हो? हाँ, 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 चलो खाओ। यम्मी है, यम्मी। सो ये पराठा बच्चों के लिए रहता है क्या खास करके? अच्छा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं डाली गई जो बहुत तीखी हो, जो बहुत स्पाइसी हो। और ये जो हमने स्वीट कॉर्न डाले हैं वो बहुत हेल्दी रहते हैं बच्चे के लिए। तो ये मैंने पहले घर पे ट्राई किया, इनको खिलाया मेरी परी को, उनको बहुत पसंद आया, तब मैंने यहाँ के कस्टमर के परियों को खिलाने के लिए सोचा। अच्छा, इसलिए मैंने ये, तो मतलब ये बच्चों के लिए स्पेशल बेबी पराठा, बेबी पराठा ही भी बोल सकते। तो मैम इसका लोकेशन बताइए ताकि बाकी के लोग। एग्जिट ला विक्टोरिया के सामने, गैलेक्सी सर्कल, पाल अडाजन। और टाइमिंग 4 से 12, एवरीडे ओपन, एवरीडे ओपन। साई सुजल पराठा याद रखिएगा। तो ये देखिए साई सुजल पराठा है। और नीचे